हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हीना और आज हम अल्फा डिके के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं उनकी एनर्जी, वेलोसिटी और रेंज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले जो अल्फा रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं, उसमें अल्फा, बीटा और गामा डिके जब हुआ था और रदरफोर्ड और बहुत लोगों ने जब उसको एग्जामिन किया था, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे उन्होंने उसका वेलोसिटी और एनर्जी डिटरमाइन करने की कोशिश की, क्योंकि तब तक कोई ऐसी थ्योरी तो थी नहीं कि हम वो थ्योरी लगा के उसका मास या कुछ कैलकुलेशंस कर पाते, बिकॉज एट दैट टाइम आपको न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर नहीं पता था। सो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए थे उनका हमें वेलोसिटी और एनर्जी निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मींस का सहारा लेना पड़ा था। सो वेलोसिटी और एनर्जी की बात करें अल्फ़ा पार्टिकल की जो एमिट होते हैं उनके निकालने के लिए हम मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर अ मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ इज शोन। यहाँ पे आप देखिए ये जो बॉक्स है ये एक इवैक्यूएटेड वेसल है जो कि सेमी सर्कुलर या डी शेप में है। इसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हियर ये एक सेमी सर्कुलर वेसल है बी, ये एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ए इज़ योर कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक। लेड जो है उसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है और मास नंबर भी, तो वो बहुत ज़्यादा एटम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे देखिए एस सोर्स रखा हुआ है, सी हियर दिस पार्ट एस सोर्स। इसके अंदर ये छोटा सा सोर्स है जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। एक्चुअली दिस वाज रेडियम और ए इसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तीन तरफ से लेड ब्लॉक है, ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। आप क्लियरली देख सकते हैं वहाँ सिंपल लाइन है। इसका मतलब जो है कि जो सोर्स है आपका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, बट तीन डायरेक्शन में लेड होने से वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गए। दैट मीन्स इस लेड ब्लॉक ने कॉलिमेट कर दिया अल्फ़ा पार्टिकल्स को या बीम को चैनलाइज कर दिया कि अब अल्फ़ा पार्टिकल्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकल सकते हैं, एंड दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं हम, ये S1, S2, S3 दीज आर कॉलिमेटिंग स्लिट। अब ये कॉलिमेटिंग स्लिट्स क्या होती है, नाम बता रहा है जो अल्फ़ा रेज को कॉलिमेट करती हैं। कॉलिमेट करना मीन्स उनको चैनलाइज करना। नॉर्मली देखिए अगर सपोज कीजिए ये अल्फ़ा सोर्स है, यहाँ से निकल रहे, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात करें तो यहाँ 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 और ये फर्दर देखो यहाँ स्पेसिंग कम है। जैसे जैसे आगे जाते हैं इनकी आपस की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, बीम डाइवर्ज होती जा रही है। कॉलीमेटर्स का काम होता है कि इस बीम को नैरो करना कि ये इस तरह ही रहे, डाइवर्ज ना हो, डाइवर्जेंस ना हो, जितनी कम हो या जितनी हम चैनलाइज करना चाहें सिर्फ उतनी ही हो। सो S1, S2, S3 ये कॉलीमेटिंग स्लिट है। बेसिकली हैं क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल इन स्लिट्स पे हम लगा देते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लगा दो कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा और वो उसमें डाइवर्जेंस इस तरह से नहीं होगी। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, जैसे अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, ये देखिए अल्फ़ा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगा देंगे। पॉजिटिव चार्ज लगाने से क्या होगा कि इसको रिपेल करेगा और ये फैलने की बजाय ऐसे सीधी चली जाएगी। ओके, आई होप आई मेड दिस क्लियर कि कॉलीमेटिंग स्लिट्स होती क्या हैं। सो S1, S2, S3 तीनों कॉलीमेटेड स्लिट हैं। बी आपकी वैक्यूएटेड वेसल है, एस आपका सोर्स है, ये आपका लेड ब्लॉक है जिसमें आपने अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स को रखा हुआ है ताकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एमिट हो। एक चीज़ बचती है, दैट इज़ योर पी। पी इज़ योर फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, फोटोग्राफिक प्लेट इसीलिए लिया ताकि अल्फ़ा पार्टिकल जब उस पर जाएंगे इंटरेक्शन होगी तो जो भी उस पर इमेज डेवलप होगी या जो भी होगा वो आपका क्लियरली नोट हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर हम यहाँ करेंगे अब इसकी वर्किंग की, किस तरह काम कर रहा है, कैसे आप इसकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये जो सोर्स एस है आपका, ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। नाउ सी है अल्फ़ा एमिट कर रहा है S1, S2, S3 दीज आर कॉलीमेटिंग स्लिट, इसको कॉलीमेट कर रहा है। वन मोर थिंग, ये जो हमारी इवैक्यूएटेड वेसल है या मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है जब भी परपेंडिकुलर लगा और एक चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, देन इट विल ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। ओके सेमी, क्योंकि हमारा इसकी शेप ही डी शेप है तो वो एक सेमी सर्कल सब्सक्राइब करेगा ऑफ 180 डिग्री। और ये आप क्लियरली बता सकते हैं दिस इज़ बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थम्स अप है तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन में आपके चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। ओके सो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेट ही मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ये मूव करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पी पे जाएंगे, हमने इस तरह करा हुआ है कि ये 180 डिग्री एंगल ट्रैवर्स करके फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएंगे और एंगल वहाँ पे इमेजेस डेवलप होंगी। अब ये चीज़ तो समझ आ जाती है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि इससे आपको पता कैसे चलेगा वेलोसिटी और एनर्जी का। नाउ कंसीडर कीजिए आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है क्यू और वेलोसिटी है वी, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कुलर पाथ। नाउ सी हियर, यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर पाथ लिया है उसकी रेडियस आर है, एम इसका मास है अल्फा पार्टिकल का। अब क्योंकि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा। फार्मूला इज योर क्यू वी बी साइन थीटा। ओके अब परपेंडिकुलर है दैट मीन्स योर थीटा इज 90 डिग्री, एंड इफ योर थीटा इज 90 डिग्री साइन 90 इज 1, सो योर मैग्नेटिक फोर्स विल सिंपली एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी दिस। और यही मैग्नेटिक फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अल्फा पार्टिकल को ताकि वो एक सर्कुलर पाथ ले सके जिसकी रेडियस आर हो। ओके सो क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और अल्फा पार्टिकल जैसे ही अंदर होता है उस पर हर पॉइंट पे फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज होती है ऐसा पाथ सिर्फ एक सर्कुलर पाथ ही होता है। सो दैट्स वाई एफ इज इक्व टू क्यू वी बी, एंड क्यू वी बी इज इक्व टू नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे वी, वी इज इक्व टू क्यू बाय एम इंटू बी आर, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ देखो चार्ज, योर क्यू इज सिंपली टू ई ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एम इज योर मास ऑफ ही एम। अब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। सो हीलियम एटम के मास में से अगर दो इलेक्ट्रॉन का मास हटा दें तो आपके पास हीलियम न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, एंड इफ यू विल डू कैलकुलेशन इट विल बी 4.00278 AMU। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1.66 × 10⁻²⁻²⁷ से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6.645 × 10⁻²⁷ kg। और ये वैल्यू सब अगर आप यहाँ पुट करोगे यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3.2 × 10⁻¹⁹ b × r डिवाइडेड बाई 6.645 × 10⁻²⁷ m/s। और अगर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड और आर की जो वैल्यू थी वो सब्सटीट्यूट करें, यू विल गेट वेलोसिटी नियर अबाउट 10⁻²⁷ m/s। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल की, देखिए रिलेटिविस्टिक रेंज में पहुंचने वाले हैं पर पहुंचे नहीं हैं, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल मूव करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद। सो अगर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी एम वी वेलोसिटी आ गई हमारे पास तो हमारे पास एनर्जी भी आ जाएगी। एनर्जी अगर आप निकालेंगे अल्फा पार्टिकल की दैट इज़ 2.076 MeV। सो इतनी एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ से। सो जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए हमें उनकी वेलोसिटी भी पता चल गई और एनर्जी भी पता चल गई। हमें बेसिकली उस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ से पता क्या चला कि मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यहाँ से देखिए हम कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आप क्लियर अटेम्प्ट भी देखें कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा रेडियस ट्रेवर्स होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक पर के लिए हम सेम लगा रहे हैं। सो इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर दो अलग अलग अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है आपका सोर्स तो उनकी वेलोसिटी सेम है या नहीं है, और वेलोसिटी को आप सीधा लिंक कर सकते हैं एनर्जी से। सो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो एनर्जी सेम होगी, और अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स एनर्जी ज़्यादा है।
तो आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि दो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ से दो अल्फा पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट है। सो जिस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा रेडियस का सेमी सर्कल बनाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ से किस तरह आप वेलोसिटी और एनर्जी मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सबसे पहले तो ये रेंज क्या होती है? सो रेंज इज़ बेसिकली द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्फा पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग इज नोन एट इट्स रेंज। जब अल्फा पार्टिकल निकले, अगर हम बात करते हैं इनकी एनर्जी इतनी हाई है, 2.08 MeV इस रेंज की है, चाहे जितनी मर्जी हाई एनर्जी है के ये हो, बट आप और वेलोसिटी हम देख रहे थे 10^7 m/s से मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ में मूव कर रहे थे। इन जनरल में इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को भी क्रॉस नहीं कर सकते आपके अल्फा पार्टिकल। वाई? क्योंकि इनके इंटरेक्शन ज़्यादा है। इंटरेक्शन ज़्यादा है का क्या मतलब है कि रस्ते में जितने भी एटम्स आएंगे या फिर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करते चलते हैं। इनकी आयनाइजिंग पावर या इंटरेक्शन पावर ज़्यादा है। अब अल्फा पार्टिकल की रेंज के बारे में थोड़ा सा पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इनकी इंटरेक्शन कैसे होती है। अल्फा पार्टिकल मान लीजिए किसी भी एक मटेरियल के ऊपर हम डालते हैं, कोई भी एक मटेरियल हो सकता है, कुछ भी मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल जब उनसे इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि एक हीलियम न्यूक्लियस है, इसके ऊपर +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास है +4 एटॉमिक यूनिट। तो इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मैटर के अंदर जाएगा, उसके अंदर एटम्स है, एटम्स के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उनको अट्रैक्ट करेगा और उन इलेक्ट्रॉन को या तो एटम के बाहर निकाल देगा या फिर उनको एक्साइटेड कर देगा। सो अल्फा पार्टिकल बेसिकली इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ थ्रू आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है आयनाइज हो गए, एक्साइट हो गए, सो दैट मीन्स मटीरियल की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाला गया था कम्प्लीटली चेंज हो गई। और क्योंकि इसका पास +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे ये पास करता जाता है, इंटरेक्शन करता जाता है मैटर की आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के थ्रू, और क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा है, आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है इसकी, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। ओके, सो इन जनरल अगर आप रेंज की बात करें अल्फा पार्टिकल की, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई दीज पार्टिकल्स इन एयर एट 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर एट 15 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है, स्टैंडर्ड मेजरिंग टर्म्स है अगर हम अल्फा पार्टिकल की रेंज निकालना चाहते हैं। सो सबसे पहले कह लो, या जो ऑपरेटर्स है अल्फा पार्टिकल की रेंज डिटरमाइन करने के लिए, उसको हम देखते हैं। सो सी दिस, आपके उस सामने ऑपरेटर्स दिया हुआ है। अगेन एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इवैक्यूएटेड इसलिए रखते हैं क्योंकि एयर में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल या कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। हमें जिस भी मटेरियल का लेना है तो हम वो मटेरियल इसके अंदर लेंगे। जैसे अभी हमने एयर का निकालना है, अल्फा पार्टिकल की रेंज एयर में, तो इसके अंदर एयर फिल्ड है। ये जो स्मॉल पोर्शन यहाँ शोर है, दिस इज़ योर आयनाइजेशन चैम्बर। इसमें एक मेटल प्लेट लगी हुई है डी और एक मेटेलिक गॉज लगा हुआ है जी। दिस इज़ योर हाई टेंशन बैटरी HT। ओके, एंड दिस योर ई इज़ योर इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर इसका बेसिकली क्या काम है कि अल्फा पार्टिकल, मैंने अभी बताया था, इंटरेक्ट किस तरह करता है, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है। और अगर आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन होने का क्या मतलब है, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, उसके बाद एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो आयन बन गया। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। अब वो जो आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ एक हाई टेंशन बैटरी लगाते हैं और सपोज़ कीजिए कि इस रीजन में आयनाइजेशन हो रही है, आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, सो पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दिस मेटल प्लेट डी की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दे विल मूव टूवर्ड्स मेटेलिक गॉज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। सो जब भी मूवमेंट होगी चार्ज की, तो वहाँ कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रोमीटर उस करंट को मेजर करेगा। ओके,
यहाँ देखिए, दिस इज़ योर सोर्स जिसको फिर से लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे एस सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, जिसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ कॉलीमेटर भी लगे होते हैं जो दिखाए नहीं गए, जो कि इन अल्फा बीम को कॉलीमेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं। नीचे मीटर स्केल रखा हुआ है ताकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापा जा सके। ओके, सो नेक्स्ट, आई होप ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब ये देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ अल्फा जो सोर्स है आपका, हेयर अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, कॉलीमेट हो रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बीम एमिट होगी। ये आयनाइजेशन चैम्बर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ इवैक्यूएटेड है। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर गैस भरी होती है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे, ये मेटेलिक गॉज है ध्यान रखना, इसको ये इजीली पास कर सकते हैं। देखो डैश डैश से शो की हुई है, दैट मीन्स दिस इज़ पोरस वन। अल्फ़ा पार्टिकल इसके बीच में से क्रॉस कर जाएंगे, अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिवली आयन डी प्लेट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और जो इलेक्ट्रोमीटर नोट करेगा। ओके, अब कहोगे कि करंट तो पहले ही है क्योंकि हाई टेंशन बैटरी लगी हुई है। हाई टेंशन बैटरी तो ज़रूर लगी हुई है, पर यहाँ देखो ये डी प्लेट नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट है, और डी पे अगर पॉजिटिवली चार्ज आना शुरू हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रोमीटर नोट कर लेता है। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह वर्किंग कर रहा है। अब फर्दर कि हम इससे रेंज या उसका कैसे पता चलता है, ध्यान दो, मैंने पहले बोला कि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, और रेंज की डेफिनेशन ही यही है कि अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं रुकने से पहले। और अल्फ़ा पार्टिकल अगर होंगे तब आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में क्लोज रखते हैं और धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ाने का क्या मतलब है कि मान लो पहले ये दोनों बिल्कुल पास थे, आयनाइजेशन चैम्बर यहाँ था, सपोज़ कीजिए, मैं फिर से बना रही हूँ, सपोज़ कीजिए आयनाइजेशन चैम्बर यहाँ था, ये इसके बिल्कुल पास। अब अल्फ़ा पार्टिकल निकले क्योंकि ये पास में, ये फटाफट से डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि हाँ यहाँ तक अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, उनकी रेंज है। अब वो यहाँ आ गए, फिर ये बताएगा कि आयनाइजेशन अगर प्रोड्यूस हुई, अल्फ़ा पार्टिकल हैं, दोनों ने आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, दैट मीन्स यहाँ तक भी पहुँच रहे, फिर यहाँ तक। इस तरह डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे करके। अब उन्होंने बेसिकली जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्हें नहीं पता था कि अल्फ़ा पार्टिकल की इंटरेक्शन के बाद क्या प्रोसेस हुई होगी, मतलब कहाँ तक वो जाएंगे कहाँ तक नहीं जाएंगे। तो रेंज बेसिकली बताती है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक लिमिट के बाद आके ये जो इलेक्ट्रोमीटर करंट दे रहा था, अगर हम हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल ना होते तो एक लिमिट के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये सेम वैल्यू ऑफ करंट देनी शुरू कर देगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि अब हमारे पास कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जो कि आयनाइजेशन करें। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर कि किस तरह काम करता है। अब उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, साइंटिस्ट ने, उन्हें क्या मिला या उन्हें किस तरह के रिजल्ट रिकॉर्ड किए। नाउ सी दिस, ये आपका ग्राफ है हेयर, दिस इज नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस पर mm ऑफ पाथ। हर मिलीमीटर के बाद उन्होंने देखा कि कितने आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज रेंज कि मैक्सिमम कहाँ तक आपके मिलेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले जो है एक सर्टेन रेंज तक अल्फ़ा पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उसके बाद अब्रप्ट डिक्रीज है एकदम से, एक डिस्टेंस तक उन्हें नंबर ऑफ आयन पेयर मतलब अल्फ़ा पार्टिकल आते जा रहे मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल में कुछ कम नहीं हो रहा है। अगर आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट मीन्स उतने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, और क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है ये लाइन, तो इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है ऑलमोस्ट सेम है, दैट मीन्स ऑल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम है। अब्रप्ट डिक्रीज है उसके बाद से, एकदम से शार्प डिक्रीज है। ये आपकी बुक का है, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज दिखाया गया, एक्चुअल में ये ऐसा ना हो कि बहुत शार्प डिक्रीज इस तरह से होता है। सो एग्ज़ाम में इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि ये शार्प डिक्रीज आपको शो करना है, ये जस्ट लैबोरेट किया हुआ है उन्होंने चीज़ों को ताकि आपको समझ आ जाए। सो अल्फ़ा पार्टिकल का अब इसका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह क्यों आया। सबसे पहले तो हम ये नोट क्या कर रहे हैं कि कितने आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं पर mm में, यानी आयनाइजेशन चैम्बर में कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की इंटरेक्शन आपके सिलेबस में फ़िलहाल तो नहीं है, थर्ड यूनिट में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। सो अल्फ़ा पार्टिकल अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं या फिर एक्साइटेशन करते हैं।
तो आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट या आयनाइज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम सब हाइड्रोजन एटम की इन जनरल बात करें, उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी चाहिए होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? MeV रेंज में, यानी वो बहुत सारी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है और धीरे 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 करके अपनी एनर्जी लूज करता जाता है। एनर्जी लूज कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी कम होती जा रही है। सो ये रीजन जहाँ पे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये वो रीजन है जहाँ पे वो इंटरेक्ट करता जा रहा है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता जा रहा है, अपनी एनर्जी लूज करता जा रहा है, बट स्टिल प्रेजेंट है। अगर हम 100 लेके चले थे अल्फा पार्टिकल, तो स्टिल वो 99 तक तो रहते हैं, कादा कोई स्कैटर हो गया वो अलग बात है, बट उनकी एनर्जी पहले MeV रेंज में थी, तो यहाँ आते आते कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस रीजन की, ये देखिए हल्का सा इंक्रीज है, फिर शार्प डिक्रीज है। अब ये हल्का सा इंक्रीज क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि अब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम है इंटरेक्ट करने का मैटर के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब आप खुद से देखिए, अगर आप तेजी से एक रूम में भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे? वहीं अगर आप स्लो रुक के हर एक पर्सन से मिलते जा रहे हैं, सो अपनी एनर्जी लूज करते जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का भी वही है, इसीलिए यहाँ पे पीक आती है कि उसकी एनर्जी कम होगी, इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया है, इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया है तो आयन पेयर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ये हल्की सी पीक है। उसके बाद जैसे एनर्जी और कम होती है, अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी कम्प्लीटली लूज कर दिया है, आयन पेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए ये डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे दो टर्म और डिफाइन की गई हैं, देखिए फर्स्ट इज दिस आर नॉट, दिस इज मीन रेंज। अगर आप बात करें सो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन रेंज, या यही आप डिफाइन करते हैं, दिस इज 6.9 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी 7.68 MeV। ओके, सो अगर अल्फा पार्टिकल 7.68 MeV एनर्जी का निकल रहा है, तो उसकी मीन रेंज होती है 6.9 सेंटीमीटर। मीन रेंज को अगर आपने डिफाइन करना हो, इट इज़ द रेंज एट विच नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल या आयन पेयर जितने प्रोड्यूस हो रहे थे, अब उसका हाफ रह जाता है। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 0.5। सो मीन रेंज वो रेंज है जहाँ पे आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहे थे अल्फा पार्टिकल, अब उसका नंबर हाफ रह गया। सो कितना डिस्टेंस तब अल्फा पार्टिकल कवर करेंगे? मीन रेंज इज दैट रेंज, दिस। ओके, अब ये टर्म लिखा गया कि दिस इज स्ट्रैगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। अब स्ट्रैगलिंग क्या होती है? अब नॉर्मली देखिए, आपके पास ढेर सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, या ही ये जो हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल, लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। अब लॉन्ग रेंज क्या होती है? रेंज तो हमें समझ आ गई कि जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्टॉप होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उन्होंने ट्रैवल किया। लॉन्ग रेंज का सीधा सा मतलब है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किस तरह करेंगे? देखिए, इसके दो या तीन फैक्टर होते हैं जो मेजर होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिस सोर्स से आपके अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे, जब हम अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा करेंगे, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर ही है आपका, तो उसमें हम बताएंगे कि जो अल्फा पार्टिकल सोर्स से एमिट होता है वो एक सिंगल एनर्जी का ना हो के कई बार एनर्जी का फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कि सोर्स ने अल्फा पार्टिकल निकाला 7.68 MeV का, हो सकता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा भी निकल जाए, 7.8 MeV का निकल जाए, ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ये इस वजह से भी लॉन्ग रेंज हो जाती है। दूसरा ये हो जाती है कि मान लीजिए हम मैटर जो है उसके अंदर एटम्स है, और एटम्स कोई अगर आप पैकिंग की बात करें तो ज़रूरी उसके मैटर में जो एटम्स पैक होते हैं, आपने सबने पैकिंग पढ़ी हुई है कि किस तरह मैटर के अंदर एटम होते हैं, और बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। सो जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक अल्फा पार्टिकल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे। हो सकता है किसी को ज़्यादा नंबर ऑफ एटम रास्ते में इनकाउंटर हो और किसी को कम हुए होंगे उसके रास्ते में आए होंगे, तो वो कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि फ्लक्चुएशन आ जाती है, सारे अल्फा पार्टिकल एक जगह पे ना रुक के कोई थोड़ा आगे रुक जाता है, कोई थोड़ा पीछे रुक जाता है। सो दिस टर्म इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग, मीन्स सबकी रेंज एक जैसी नहीं है। सो अगर आप रेंज और वेलोसिटी का रिलेशन देखें, आर इज वेर इज एज वी क्यू फॉर लो वेलोसिटी एंड वेर इज एज वी रेस टू पार 4 फॉर हाई वेलोसिटी। और अगर एनर्जी से इसको रिलेट करना चाहें, देन इट विल सिंपली
आर इज इक्वल्स टू बी इंटू ई रेस टू पावर 3/2, ये रिलेशन हम कल वाले लेक्चर में करेंगे बट गीगर नटल लॉ में। बट यहाँ पे ये रेंज करना पहले इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको रेंज और एनर्जी का रिलेशन से पहले ये तो पता होना चाहिए कि रेंज होती क्या है। ओके, और बी की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसका कहीं डेरिवेशन नहीं है, एम्पेरिकल वैल्यू है, उन्होंने फार्मूला से निकाली थी। आर इज 0.318 इंटू ई की पावर 3/2, आर इज इन सेंटीमीटर और एनर्जी एम ई वी में है। ओके, आई होप आपको रेंज समझ आ गई होगी, स्ट्रैगलिंग समझ आ गई होगी, अल्फा की इंटरेक्शन समझ आ गई होगी, किस तरह से वेलोसिटी हम निकालते हैं या फिर हम अल्फा पार्टिकल्स के केस में एनर्जी निकालते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स।